नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जहाँ तक ज़्यादातर दुनिया के देश हैं वो पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं और वो टक्कर देना चाहते हैं F-35 को। लेकिन अमेरिका ने F-35 को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ठीक एक साल बाद वो F-35 के डायरेक्ट एनर्जी वेपन की टेस्टिंग करेगा। क्या है डायरेक्ट एनर्जी वेपन? इसे लेजर बीम भी कहते हैं, लेजर वेपन भी कहते हैं। इसके लगने के बाद F-35 इतना लीथल हो जाएगा कि इसे कोई भी फाइटर नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात, इसके हथियार कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि लेज़र तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, वो तो एनर्जी से चलती है। क्योंकि इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी F-35 की, अगर आप ज़्यादातर वीडियो देखते ही हैं F-35 के बारे में, इसकी सबसे बड़ा जो एक तरीके से फ्लो था, कमजोरी थी, कि ये अपने साथ ज़्यादा हथियार नहीं ले जा सकता। और ख़ासकर जब इसके इंटरनल बे यानी कि अपने स्टेल्थ मोड में होता है, तो ये सारे हथियार इंटरनल बे में ले जाता है, जिसमें सिर्फ 4 से 5 मिसाइलें ही आ पाती थी। लेकिन अब इसे लॉकहीड मार्टिन नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। दरअसल आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी जून के महीने में, वीडियो बनाई थी जब अमेरिका ने अपने एक जो डिस्ट्रॉयर था, नेवी डिस्ट्रॉयर था, उसमें अपनी जो हाई एनर्जी डायरेक्ट हाई एनर्जी वेपन का टेस्ट किया था, लेजर बीम का ही टेस्ट किया था, वो सक्सेसफुल रहा था। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था वो, और उसने बहुत ही एक्यूरेसी से अपना काम किया था। तो अमेरिका ने तभी कहा था कि वो अब इसे इतना छोटा बनाएंगे कि इसे F-35 या फिर फाइटर जेट पर माउंट किया जाए। तो अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, लगभग ये काम पूरा हो चुका है और अब इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। और इसका जो सोर्स है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर, ये इसका जहाँ से आर्टिकल से मैंने द नेशनल इंटरेस्ट ने इस चीज़ को छापा भी है और भी न्यूज़ एजेंसी ने इसे छापा है। अमेरिका ने खुले तौर पर भी इस चीज़ को कहा है। तो ये एक बहुत ही एडवांस तौर पर F-35 को ले जाने की कोशिश। दरअसल F-35 का जो बनाया गया था, तो अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया था। कारण इसका ये भी था कि अमेरिका को लगा कि आराम से 2040-45 तक कोई इसके टक्कर में नहीं होगा, हम आराम से इसे बेचेंगे भी, इसका इस्तेमाल भी करेंगे, हमें कोई 6th जनरेशन में एक तरीके से मतलब कि जो अपना उन्होंने बजट रखा था या टाइम रखा था छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का, वो रखा था कि 2040 से बनाना शुरू करेंगे। लेकिन आपको बता होगा कि अमेरिका ऑलरेडी FA-XX पर काम कर चुका है, जिसकी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है FA-XX का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो वो बनाना भी शुरू कर चुका है, लेकिन F-35 को और ज़्यादा लीथल बनाना शुरू कर दिया है। इसमें क्या करना शुरू कर दिया है कि इसकी एक तो क्या होता है कि जैसे कि कोई दूसरा लड़ाकू विमान F-35 की तरफ बढ़ रहा है आराम से, 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है पकड़ने की, तो ये डायरेक्ट लेजर बीम से उसे लॉक करेगा और डायरेक्ट हिट कर देगा। और दूसरी बात, दूसरे लड़ाकू विमान इससे बच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उनके पास समय नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हें मिसाइल आती है उनकी तरफ तो उनके पास समय होता है, उन्हें पता रहता है कि मिसाइल आ रही है, उसे कैसे बचना है। लेकिन लेजर बीम से कैसे बचेंगे? तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन डायरेक्ट हिट करेगी, पता भी नहीं लगने देगी। और ये करती क्या है, दूसरे फाइटर जेट से टकराने के बाद उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सब ध्वस्त, सबको एक तरीके से इतनी हाई एनर्जी देती है कि वे जल जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और कई बार पायलट को भी नुकसान पहुँचता है और वो जो फाइटर जेट है वो ज़मीन पर आ जाता है। यही काम इसके द्वारा जब टेस्टिंग हुई थी, इसके एक नेवी डिस्ट्रॉयर पर लगाया गया था, तब वो उसने भी बहुत ज़बरदस्त हिट किया था। एक छोटी शिप पर इसकी टेस्टिंग हुई थी, आप वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इसने काम किया था। तो एक बहुत ही अच्छी बात तो F-35 के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या भारत को इसकी तरफ देखना चाहिए F-35 की। तो मेरा कंसिडरेशन तो है कि देखिए, F-35 फाइटर जेट तो भारत के लिए सूटेबल तो है, खासकर कुछ फाइटर जेट लिए, भले ही ना ऐसे लिए कि 100-150, ऐसा नहीं, कुछ 20-30 अगर लिए जाएं तो पाकिस्तान की तो बैंड बजेगी, पक्की बैंड बजेगी, ये बात तो तय है। खासकर चीन के उन इलाकों पर, ये स्टेल्थ है ना, तो चीन के उन इलाकों पर अच्छी नज़र रखी जा सकेगी जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो। दूसरी बात, चीन के जितने फाइटर जेट हैं उन्हें कड़ी टक्कर दे सका लेजर बीम के साथ में, वो तो इसके पहली बात अभी भी अनमैच है, लेकिन फिर और ज़्यादा अनमैच हो जाएगा चीन के खिलाफ। तो ये एक अच्छा साइन है भारत के लिए, अगर भारत इसकी तरफ देखता है, इसकी तरफ बारे में सोचता है, इसके बारे में निगोशिएट करता है। अमेरिका तो बेचने के लिए तैयार होगा ही होगा, पर जहाँ तक, क्योंकि अमेरिका अपने फाइटर जेट को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहता है, खासकर अपने लाइव देशों के साथ। अभी विदेश मंत्री जो माफ कीजिएगा अभी रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हम भारत का जब खुला समर्थन लेंगे चीन के खिलाफ। तो अगर चीन का उन्हें डर है, अमेरिका को जो बिल्कुल वाजिब डर है उनका,
तो वे भारत को बुरी तरीके से बैक करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे कि F-35 का कई लोग कहते हैं कि क्या अमेरिका भारत को देगा, जब S-400 का मसला हो रहा था उन्होंने कहा था कि आप S-400 कैंसिल कर दो, F-35 दे दो। खुले तौर पर भारत को ऐसा नहीं है कि वे नहीं देंगे, और अब भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने S-400 खरीद लिया तो भारत को F-35 नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भारत को MCASA साइन कर चुका है, भारत को उसके एडवांस वेपन वैसे ही मिल रहे हैं। प्रीडेटर ड्रोन की डील होने वाली है, अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इस तरह भारत ने एक दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब रहा है जहां पर अलग अलग तरीके से रूसी और अमेरिकी हथियारों को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर देखिए कितना एडवांस है। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं मिलेगा, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। और F-35 हाँ बिल्कुल, अब इसका जो एकमात्र जो फ्लो था कि इसमें कम हथियार लिया जा सकते हैं, कम पेलोड लिया जा सकते हैं, तो उसे ये क्रॉस कर चुका है, ये नेक्स्ट लेवल पर फाइटर जेट पहुँच चुका है। और कई लोग कहते हैं कि जी इतना क्या बात हो गई, इसमें लेजर बीम लगा दिया तो भारत भी तो एक वेपन है काली। तो देखिए आप जैसे कि इसका मैं तुलना करता हूँ एक रिएक्टर से, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप बड़ा बनाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप उसे छोटा कंपोजिट करके एक सबमरीन में लगा देते हो तो वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो उसे कंपोजिट करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटा करना। तो भारत का वेपन जो है उस पर वीडियो मैं आपको जल्दी बनाकर दूंगा, वो एक बड़ा है लेकिन एक छोटा तौर पर एक फाइटर जेट में लगाया गया है। और अगर हाँ आपको काली पर वेपन चाहिए, काली वेपन पर या फिर भारत की जो हाई एनर्जी जो डायरेक्ट हाई एनर्जी वेपन है उस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना जरूर इसे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के बाद फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।